हेलो दोस्तों, वेलकम टू किचन एंड क्रिएशन। चलो आज बनाते हैं फल से बनी हुई एक हेल्दी रोटी और पराठा का रेसिपी, जो कि बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से आपका नाश्ता या डिनर में बन जाएगा। ये है पाम फ्रूट यानी ताल से बनी हुई रोटी और पराठा। तो चलो देख लेते हैं रेसिपी। तो इसके लिए मम्मी ने एक बाउल में एक कप पाम फ्रूट का जूस, मतलब इस चम्मच का 10 चम्मच पाम फ्रूट का जूस ऐड की और उसके साथ उन्होंने मिलाई आटा। टोटल 2 कप आटा मिलाई और उसके साथ स्वाद अनुसार नमक मिलाई। इसके साथ ना थोड़ा और रिफाइंड ऑयल भी ऐड कर देना, ताकि जो पराठा बनेगा वो थोड़ा सा क्रिस्पी बनेगा, ठीक है। अब इसको अच्छे से मिलाई, फिर इसका डो तैयार कर लेना। और क्या, डो प्रिपेयर करने के लिए कोई पानी मिलाने का ज़रूरत नहीं है इसमें, अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा थोड़ा आटे मिलाते जाना। अच्छा, ये पाम फ्रूट का जूस कच्चे ऐड मत करना, इसको थोड़ा पका लेना पहले, फिर इसके साथ जैगरी यानी कि गुड़ ऐड करना, फिर इसको और पकाना। जब ये और गढ़ा होने लगेगा तब ये परफेक्टली प्रिपेयर्ड है, तो इसी को ही आटा के साथ ऐड करना, ठीक है। यहाँ पे हमारा डो ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। हाँ, ये डो ना बहुत सॉफ्ट बनेगा, मतलब नॉर्मल से जो रोटी या पराठा का डो होता है ना, उससे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। अब इसी डो से ही छोटा छोटा पीसेस कट कर लेना और उसको रोल करके रोटी बनाने के पहले जैसे हम बनाते हैं ना, उसी टाइप का छोटा छोटा गोला बना लेना। अब इसका आगे तो आपको पता ही होगा कि इसको बेलना है, सेकना है और फिर खाना है। तो यहाँ पे ना मम्मी ने एक ट्रिक अप्लाई की, वो जो छोटा छोटा पीसेस है ना, तो पराठा बेलने के पहले उसके अंदर थोड़ा और ऑयल लगाकर इसको इस तरीके से फोल्ड कर लिया। तो इसमें क्या होगा ना, आपका रोटी या पराठा जो भी है वो पफी बनेगा, मतलब फूलेगा अच्छे से। अभी ये सारा तैयार है बेलने के लिए, इसी वक्त तवे को गर्म कर लेना और रोटी एंड पराठा बेल लेना। अच्छा, ये हमने आटे से बनाया, मैदे से क्यों नहीं बनाया, क्योंकि ये बनने के बाद तो मैदे का कलर ही नहीं रहेगा। जो भी कलर दिखेगा और फ्लेवर मिलेगा आपको, सब पाम फ्रूट का मिलेगा। तो मम्मी ने पराठा अच्छे से बेल लिया। आप तवे के ऊपर थोड़ा और ऑयल लगाकर इसका दोनों साइड अच्छे से सेंक लेना है। अच्छा, हमने ना पराठा का ट्रायंगुलर शेप देता है, अगर आप चाहो तो पराठा और रोटी दोनों का ही राउंड शेप दे सकते हो, तो इसमें एक ही बार में दोनों कम लिपट जाएगा। बस पराठा को थोड़ा और ज़्यादा ऑयल दे करके सेकना पड़ता है। दूसरा पराठा भी मम्मी ने बेल लिया, इसको भी सेक लेंगे ऑयल लगाकर। पिछला पराठा भी आपने देखे थे कितना अच्छा फूला था, ये भी अच्छे से ही फूलेगा। तो ये ट्रिक्स अप्लाई करके आप भी घर में इतना पफी पराठा और रोटी बना सकते हो। और हाँ, ये ट्रिक्स आपको कैसा लगा कमेंट्स में हमको ज़रूर बताना। मम्मी ने रोटी भी बेल लिया, अब इसको भी सेक लेंगे। आप चाहो तो पराठा की तरह ऑयल लगाकर भी सेक सकते हो, पर यहाँ पे मम्मी ने जाली के मदद से रोटी बना लिया और ये भी इतना ही पफी बना है। ये रेसिपी तो आपने पूरा ही देख ली, आप कमेंट्स में बताओ कि ये खाना आपके घर में बनता है कि नहीं, और अगर नहीं बनता है तो आपके लिए रेसिपी नया है तो ट्राई ज़रूर करना घर पे, और मुझे कमेंट्स में बताना कि ये रेसिपी आपको कैसा लगी। तो हाँ, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना, और मेरे चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो डिनर के लिए पाम फ्रूट का गर्मा गर्म रोटी और पराठा बन गई। अब मैं तो चली इसको खाने, आलू परवल की सब्ज़ी और मूंग दाल की जलेबी के साथ। मूंग दाल की जलेबी की रेसिपी भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। चलो मिलते हैं अगली वीडियो पे। बाय बाय।